नमस्कार मैं हूं शारदा जायसवाल आप देख रहे हैं ट्वेंटी न्यूज खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण की जिसके दो कर्मचारियों को जिनकी पहचान बालू बहिरम और राजेश बागुल के रूप में हुई है पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लान मंजूरी के लिए बिल्डर की मदद की और मनपा के साथ धोखाधड़ी की है भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार अधिकारियों के बाद कल्याण डोम्बेवली महानगर पालिका में हड़कम मचा हुआ है आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही कल्याण महानगर पालिका में रिश्वत लेते हुए दो अधिकारी पकड़े गए थे और अब एक बार फिर के में से भ्रष्टाचार का मामला आया है अधिकारी बालू बहिरम और राजेश बागुल ने नकली दस्तावेज बनाकर प्लान मंजूरी के लिए बिल्डर की मदद कर न सिर्फ विभाग के साथ धोखाधड़ी की है बल्कि उक्त नकली दस्तावेजों के आधार पर प्लान पास हुआ है और इमारत भी बन गई है गिरफ्तार कर्मचारियों के साथ टाउन प्लानिंग विभाग के किसी बड़ी अधिकारी से साठ की आशंका है आने वाले समय में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि कल्याण डोम्बीवली महानगर पालिका भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन गया है फिलहाल कल्याण की बाजारपेट पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है